ओपन अ बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप यूज करके आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हजारों बिजनेसमैन इस ऐप को यूज कर रहे हैं। आप भी अभी डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज जानते हैं आदित्य विक्रम बिरला के बारे में। आदित्य विक्रम बिरला जो की आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है, इनका जन्म 14 नवम्बर 1943 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे कोलकाता के सेंट सेवियर कॉलेज से साइंस से ग्रेजुएट हुए। केमिकल इंजीनियरिंग मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की। 1965 में भारत वापस लौटने पर बिजनेस एंड एंटरप्राइज की तरफ अपना रुख किया और अधिकतर सभी काम में मुनाफा मिला। उनके ग्रुप की पहली विदेशी कंपनी 1969 में थाईलैंड इंडो थाई सिंथेटिक कंपनी लिमिटेड थी। फिर उन्होंने अपने पहले भारतीय वेंचर को कोलकाता में ईस्टर्न स्पिनिंग मिल्स के साथ शुरू किया, जो कोलकाता में बहुत सफल रहा। इसके बाद उन्होंने हर व्यवसाय में सफलता प्राप्त की। आदित्य बिरला की गिनती बड़े उद्योगपतियों में की जाने लगी। विदेशों में जॉइंट वेंचर से भारी मुनाफे के साथ बिरला समूह सबसे बड़ी बहुराष्ट्र कंपनी बन गई। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है और विश्व के कई और देशों में भी काम है, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, कनाडा, इजिप्ट, दुबई, लाओस, चाइना, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका, हंगरी, जर्मनी, इटली, ब्राजील, लग्जमबर्ग, फ्रांस, वियतनाम, कोरिया, स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार। यह एक ऐसा समूह है जो 30 बिलियन यूएस डॉलर में से 60% रेवेन्यू भारत के बाहर से लाती है। हैवर्ड इकोनॉमी टाइम्स एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टडी 2007 ने बिरला ग्रुप को बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर घोषित किया है। यह अपने आप में बड़ी गौरव की बात है। यह ग्रुप विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा संगठित है, जिनमें कई अलग अलग कंपनीज आते हैं, जैसे विस्कोस स्टेपल फाइबर, नॉन फेरियस मेटल, सीमेंट, विस्कोस फिलामेंट यार्न ब्रांडेड एपिरल, कार्बन ब्लैक, केमिकल्स, रिटेल, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इंसुलेटर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, बीपीओ और आईटी सर्विसेज भी शामिल हैं। इसकी चार प्रमुख कंपनियां हैं हिंडाल्को ग्रासिम, आदित्य बिरला न्यूवो एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। 1993 में इन्हें प्रोस्टेट कैंसर हो गया। इलाज के लिए बाल्टीमोर में जॉन हॉपकिंस अस्पताल मेरीलैंड अमेरिका में भर्ती हुए, मगर चार महीने के संघर्ष के बाद 51 वर्ष की उम्र में 1 अक्टूबर 1995 को वे परम धाम चले गए। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुरस्कार व सम्मान भी प्राप्त किए। बम्बई महानगर जेसिस द्वारा उत्कृष्ट युवा व्यक्ति अवार्ड, उत्तर बम्बई जेसिस द्वारा उत्कृष्ट नागरिक पुरस्कार, अमरावती चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जॉइंट इंटरनेशनल अवार्ड के दायरे में विशालकाय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा बिजनेस लीडर अवार्ड, बिजनेस ऑफ द ईयर, मैनेजमेंट मैन ऑफ द ईयर, राष्ट्रीय भूषण पुरस्कार, प्लेटिनम जुबली, रोटरी पुरस्कार, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो अभी डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।